वेब एड्रेस क्या होता है ओके वेब एड्रेस को यूआरएल भी कहा जाता है यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ओके दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एक यूनिफॉर्म टेक्निक है जिससे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर उनको एक्सेस किया जाता है ओके ईच वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट कॉल्ड एज इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वेब डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट वेब पेजेस ओके दे ऑल हैव देयर ओन एड्रेसेस उन सबका क्या है एक यूनिक एड्रेस है ओके okay? और उस यूनिक एड्रेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस को वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं ओके okay? और इस जो पर्टिकुलर यूनिक uh, जो उनका एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं यूआरएल राइट right? जैसे आपका होम uh, एड्रेस होता है जितने भी हाउसेस होते हैं उन सबके यूनिक एड्रेस होते हैं ओके okay? ऐसे ही जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है ओके okay? जो भी वेब पेजेस वेब डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सबका एक यूनिक एड्रेस है जिस एड्रेस को कहा जाता है वेब एड्रेस और यू आर एल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन का क्या है जाला है जो हमें कहा से मिलता है इंटरनेट से मिलता है ओके okay? तो आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को वर्ल्ड वाइड वेब में से कैसे एक्सेस कर सकते हो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो विद हेल्प ऑफ इट्स विद हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस, ओके द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ यू आर एल सिंटेक्स इज एज फॉलोज अब यू आर एल कैसे आप उसको डिफाइन करोगे उसका सिंटेक्स क्या है लेट अस सी फर्स्ट वी हैव द प्रोटोकॉल देन डोमेन नेम

ओके okay? प्रोटोकॉल्स वो रूल्स होते हैं जो नेटवर्क के अंदर फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक द नेटवर्क फिजिबल मतलब नेटवर्क को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रोटोकॉल जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो सारे डिवाइसेस वो रूल्स फॉलो करते हैं राइट तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल आपका स्पेसिफाई हुआ है ओके okay? अब यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या बता रहा है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा और वेब पेज यहाँ पे वो प्रोटोकॉल स्पेसिफाई होगा जो उस डेटा को क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है सेंडर टू रिसीवर, ओके, वन प्लेस प्लेस से दूसरे पर जो प्रोटोकॉल डेटा दे, को ट्रांसफर कर रहा है डेटा को ले जा रहा है ओके okay? जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो इंटरनेट का मेन जो इंटरनेट, इंटरनेट मेन प्रोटोकॉल यूज करता है वो टीसीपीआई प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ओके okay? और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक एफ एसटीटीपी एस टी राइट तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या स्पेसिफाई होता है यू आर एल के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल डेटा को एक्सेस सॉरी डेटा को ट्रांसफर कर रहा है वन प्लेस टू अनदर राइट देन यू हैव द डोमेन नेम ओके इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द वेब पेज और ये डोमेन नेम क्या होता है ये सर्वर नेम होता है जहां से आपके पास डेटा आ रहा है ओके okay. जहां से आप वेब को एक्सेस कर रहे हो ओके वेब सर्वर क्या होता है सर्वर इज अन सी अम्प्यूटर जो सिंपल uh, टर्म में बोल देते हैं हम लोग अ कम्प्यूटर बट एक कम्प्यूटर नहीं होता इट इज अटअप अम्पलीट से डेटा okay, डेटाबेस होता है एक कंप्लीट डेटाबेस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर और उस डेटाबेस से हमारे पास क्या आता है डेटा आता है राइट right? तो यहाँ पे हम वो डेटाबेस डिफाइन करेंगे मींस वेब सर्वर डिफाइन करेंगे जहां से हमारे पास क्या आ रहा है डेटा आ रहा है ठीक है जहां से डेटा एक्सेस हो रहा है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स ओके अब सर्वर नेम को uh, क्या करते है डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट में सबसे पहले आ जाता है होस्ट नेम डॉट डोमेन नेम डॉट डोमेन टाइप ओके होस्ट नेम क्या होता है होस्ट नेम होता है द टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज सेंडिंग द डेटा टू द यूजर ओके यहाँ पे क्या है होस्ट नेम बताता है कि किस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो ओके okay. यहाँ पे आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो कहाँ से डेटा आप एक्सेस कर रहे हो तो हम कहा से डेटा एक्सेस करें वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा एक्सेस करे फिर डोमेन नेम डॉट डोमेन नेम डोमेन नेम क्या होता है सर्वर नेम तो किसका सर्वर है ये एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा रही हूँ माइक्रोस लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपका सर्वर क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट राइट सबसे पहले टाइप ऑफ नेटवर्क मींस आप फ्रॉम वेयर यू एक्सेसिंग द डाटा ठीक है ओके देन ओके देन आफ्टर यू हैव डोमेन नेम डोमेन नेम मींस सर्वर नेम जहां से आपके पास डाटा आ रहा है एंड देन डॉट डोमेन टाइप डोमेन टाइप मतलब किस टाइप का डोमेन है किस टाइप का सर्वर है कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या डॉट ओ होगा तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है डॉट जी होगा तो गवर्नमेंट का सर्वर है डॉट एम होगा तो क्या होगा मिलिट्री का सर्वर है तो ये डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का सर्वर है किस टाइप के सर्वर से आपके पास क्या आ रहा है डेटा आ रहा है आपके पास वेब पेजेस आ रहे हैं ओके okay? तो समझ आ गया डोमेन नेम क्या होता है डोमेन नेम नेम इज द द ऑफ सर्वर ओके फ्रॉम वेयर यू आर एक्सेसिंग द वेब पेजेस राइट ओके अब जब जो भी सर्वर होता है वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करता है वो डायरेक्टरीज की फॉर्म में स्टोर करता है ठीक है डायरेक्टरीज की भी सब डायरेक्टरीज होती हैं उसकी भी सब डायरेक्टरीज होती हैं एंड देन दीज सब डायरेक्टरीज कंटेन्स फाइल्स फोल्डर्स राइट right? तो अब हमने क्या किया सबसे पहले प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है फिर किस सर्वर से से आपको डेटा चाहिए मतलब कौन सी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो राइट right? उस वेबसाइट्स में उस सर्वर में जाके आप डायरेक्टरी डिफाइन करोगे ठीक है आप डायरेक्टरी का पाथ दोगे क्योंकि एक डायरेक्टरी होगी फिर उसकी सब डायरेक्टरी होगी फिर सब डायरेक्टरी होगी लाइक दिस ठीक है इट लैंग्रेजेंट द पाथ और लोकेशन ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट ऑन द सर्वर राइट एंड लेटेस्ट सपोज यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्टरीज है और सेकेंड डायरेक्टरी के एक फोल्डर के अंदर क्या है आपकी फाइल है जो आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट राइट ऑब्जेक्ट क्या हो गया इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट विद इट्स एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट क्या है वो फाइल है जो आपने एक्सेस की है और फाइल uh, 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 कैसे आएगी विद एक्सटेंशन आएगी लाइक डॉट इ एक्स डॉट एस टी एम एल लाइक दिस

ओके okay. अब एग्जाम्पल की से समझते हैं हेयर वी दो, दो है दो यू आर एल है एफ ओके कॉलन डबल स्लैश डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट पीसी वेवोपीडिया डॉट कॉम स्लैश ई एन स्लैश टॉट ई एक्ससी ओके एंड सेकंड वन एस टी टीपी कॉलन डबल स्लैश डब्लू 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 डॉट पीसी वेवो पीडिया डॉट कॉम स्लैश यूएस slash index dot html okay the first example specifies an executable file जो हमारा first example है वो क्या specify कर रहा है एक executable file specify कर रहा है dot exe आया है देखो dash should be fetched using the ftp protocol और इसको हम किसकी help से fetch कर रहे हैं ftp protocol की help से हम उसको fetch कर रहे हैं मतलब उसको access कर रहे हैं fine राइट ओके okay? help help, right? okay? तो प्रोटोकॉल्स हमारे हमने स्पेसिफाई कर दिए टाइप ऑफ फाइल्स भी नो अब यहाँ पे देखो हेयर दीज यू आर एल कंस ऑफ क्या, इस यू में क्या क्या है सबसे पहले प्रोटोकॉल्स आगे प्रोटोकॉल हमारे कौन कौन से है एफ टीपी फर्स्ट यू आर एल में एन एस टी टी पी में ठीक है देन होस्ट नेम नेम होस्ट हमारा क्या है वर्ल्ड वाइड वेब दोनों में होस्ट नेम क्या है वर्ल्ड वाइड वेब राइट देन यू हैव द डोमेन नेम डोमेन नेम सर्वर नेम सर्वर नेम आपका दोनों में क्या है पीसी वेबोपीडिया राइट एंड डोमेन टाइप किस टाइप का डोमेन है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है फाइन फाइल पाथ फर्स्ट में आप कौन सी डायरेक्टरी में एंटर करोगे ई एन डायरेक्टरी में एंटर करोगे एंड सेकेंड यू आर एल में आप कौन सी डायरेक्टरी में एंटर करोगे यूएस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करोगे फिर ई एन डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल आपको मिलेगी स्टफ डॉट ई एक्सी एंड यूएस डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल मिलेगी इंडेक्स ई एन के अंदर आपको स्टफ मिलेगी यूएस के अंदर आपको इंडेक्स डॉट एस टी में फाइल मिलेगी राइट सो दिस इज योर यू आर एल फाइन नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ यू आर एल देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ यू ओके बेसिकली दो टाइप्स के रिलेटिव यूआरएल ओके होते हैं वी हैव एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव टू एंड यूजली हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट यूआरएल यूआरएल क्या होता है जो कंप्लीट यूआरएल होता है जो अभी हमने जिसके एग्जांपल्स देखे हैं जो फुल आपको एड्रेस देना होता है दैट इज योर एब्सोल्यूट यूआरएल फर्स्ट आपका क्या आएगा इसके इसमें प्रोटोकॉल आएगा देन आपका डोमेन नेम आएगा फिर आपका पाथ आएगा फाइल पाथ जो आप एक्सेस करना चाहते हो राइट ओके प्रोटोकॉल इज यूजली एस टी टीपी एस टी टीपी पी फाइल प्रोटोकॉल तो दे सो मेनी प्रोटोकॉल्स सो यहाँ पे आप प्रोटोकॉल आपका स्पेसिफाई होगा देन डोमेन नेम डोमेन नेम इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट आपका वेबसाइट का नेम सर्वर का नेम होता है लाइक like, एग्जांपल दिया हुआ है योर बिजनेस डॉट कॉम

देन ये आपका डायरेक्टरी का नेम होगा उसकी सब डायरेक्टरी है डब्लू पी कंटेंट फिर उसकी सब डायरेक्टरी है या सब फोल्डर है includes, और उसके अंदर आपकी फाइल है फाइन तो ये आपका कंप्लीट पाथ हो गया राइट कम्प्लीट एफसोल्यूट यू आर एल फॉर एग्जाम्पल वुड बी तो यहाँ पे कंप्लीट यू आर एल का एग्जाम्पल दिया हुआ है सबसे पहले प्रोटोकॉल एस टी टीपीएस देन आपका डोमेन नेम देन आपका क्या है फाइल uh, पाथ ओके okay, जहाँ पे वर्ड प्रेस क्या डायरेक्ट्री डब्लू पी कंटेंट उसकी सब डायरेक्टरी हो सकती है उस सब डायरेक्ट्रीज के अंदर कोई फोल्डर हो सकता है या या फिर उसकी ही अः डब्लू पी की भी कोई सब डायरेक्टरी हो सकती है इंक्लूड जिसके अंदर आपके पास फाइल है फाइल वन डॉट एस टी राइट

मान लो आपने सीबीएसई uh, की वेबसाइट को एक्सेस किया हुआ है मतलब उसको ओपन किया हुआ है राइट आपने उसके अंदर एक फोल्डर को ओपन किया दूसरे फोल्डर को ओपन किया लाइक uh, दिस like अब आप एक और फोल्डर ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे सिर्फ उस फोल्डर का एड्रेस दोगे ओके आपको फुल आपको सीबीएसई uh, की कंप्लीट वेबसाइट का एब्सोल्यूट यू आर एल देने की जरूरत नहीं है राइट वहां पे आप सिर्फ उस फोल्डर उस पर्टिकुलर फाइल का नेम दोगे राइट ओके okay, देखो अब यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल क्या होता है द अ रिलेटिव यूआरएल यूजली कंटेेंस ओनली द फोल्डर नेम ठीक है यू रिलेटिव यूआरएल में क्या करते हैं हम सिर्फ या तो फोल्डर नेम देंगे एंड फाइल नेम और इवन जस्ट द फाइल नेम ओके या फोल्डर नेम अलोंग विद द फाइल नेम स्पेसिफाई करोगे या सिर्फ क्या स्पेसिफाई करोगे फाइल नेम ओके वी कैन यूज दिस पार्शियल यूआरएलस when we are pointing to a file that located within the same folder or on the same server that we have entered already theek hai abhi maine aapko bataya ye relative url kab use karte hain jab hum already server ke andar enter kar chuke hain website ko access kar chuke hain okay उसके अंदर website आप access कर चुके हो आपको एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए तो आप क्या क्या करोगे file का name दोगे या फिर file का path दोगे right? ट अनी आप कहीं से भी किसी भी वेब पेज को वेब डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो ओके बट रिलेटिव यू आर एल आप तभी यूज कर सकते हो जब आप ऑलरेडी उस वेबसाइट के अंदर हो उसको एक्सेस कर चुके हो

डॉट जी आई एफ तो यहाँ पे टॉप क्या है उस इमेज का नेम है और जी आई एफ उसकी एक्सटेंशन है राइट आप ऑलरेडी वेबसाइट को एक्सेस कर चुके हो सर्वर के अंदर हो तो आप सिंपली क्या करोगे सिर्फ उस पर्टिकुलर इमेज का नेम दे दोगे राइट